नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओएस। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ गई हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी भी गंवा दी है। कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के साथ अलर्ट भी जारी कर दिया था। पिछले 24 घंटे से अल्मोड़ा जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते अल्मोड़ा जनपद में 4 ग्रामीण सड़कों के साथ कई और सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से गांव वालों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा सड़कों को JCB के जरिए खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों को खोलने में कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश के होने के आसार बताकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। अब अल्मोड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब देखना होगा कि ये बारिश कब तक अपना यही रूप दिखाती है और कब मौसम सामान्य हो पाता है। तो बारिश से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।